चलिए हेडिंग डालिए IUPAC नॉमेनक्लेचर या नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के नेमिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि एल्डिहाइड के नेमिंग के बारे में डिस्कशन करें, अभी पिछले दो लेक्चर में हम लोगों ने जो कुछ भी किया था उसको एक बार वापस रिवाइज करते हैं। पहले लेक्चर हमने डिस्कस किया था कि अनसेचुरेटेड और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, यही ना। DU निकालना सीखा था, अगर DU जीरो है तो सेचुरेटेड और अगर DU जीरो नहीं है तो अनसेचुरेटेड। फिर हम लोगों ने एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के बारे में सीखा था। एरोमेटिक की कंडीशन होनी चाहिए कि एक तो कॉन्जुगेशन सिस्टम होना चाहिए, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए और 4n+2 यानी कि हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने IUPAC सीखा था। IUPAC में मैंने सबसे पहले वाले लेक्चर में सबसे बेसिक बताया था। क्या बेसिक है? IUPAC लिखते समय सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं। पहला टास्क होता है आपको लॉन्गेस्ट चेन देखना। एक बार आपको लॉन्गेस्ट चेन मिल जाता है फिर आप नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग उस तरफ से किया जाता है जिधर से कोई भी फंक्शनल ग्रुप पास में आए। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा रूल मत पढ़ो। कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर पास में दिख जाए तो नंबरिंग उधर से करना। लेकिन अगर मान लो दो फंक्शनल ग्रुप दोनों सेम पोजीशन पे लेफ्ट और राइट से मिले, उस केस में आप हायर प्रायोरिटी ऑर्डर वाला यानी कि जो सुपीरियर ग्रुप है उसकी तरफ से नंबरिंग करते हैं। क्लियर है? और सुपीरियर कौन है, इन्फीरियर कौन है, इस बात को बताने के लिए मैंने एक बहुत लंबा चौड़ा चार्ट बनाया था। 20 फंक्शनल ग्रुप मैंने लिखाए थे, उसमें सबसे ऊपर था कार्बोक्सिलिक एसिड और सबसे नीचे था हैलोजन और बीच में और भी बहुत सारे ग्रुप थे जो सीरियल नंबर से आगे अरेंज किए गए थे। फिर मैंने बोला था जो सीनियर है उसका सफिक्स यूज करेंगे। अगर मान लो एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप यूज हो रहे हैं तो जो सीनियर है उसका सफिक्स यूज करेंगे और जो जूनियर है उसका प्रीफिक्स यूज करेंगे। एन इन आइन तीनों यूज होता है और एन इन आइन के आखिरी में जो ई होता है, अगर उसके बाद जो फंक्शनल ग्रुप लगा है उस फंक्शनल ग्रुप का सरनेम यानी कि सफिक्स AEIOU से स्टार्ट होता है तो एन इन आइन का आखिरी का ई हट जाता है। बस ये कुछ बेसिक रूल्स थे। इसी रूल को लिखते हुए हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस किए थे और मैं उम्मीद करूंगा कि जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे लास्ट लेक्चर में, आप घर जाके एक बार उसको रिवाइज जरूर किए होंगे। आज IUPAC नॉमेनक्लेचर का आखिरी दिन है, उम्मीद तो यही है, और इस टाइम पे मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग बहुत ही ध्यान से इसको करेंगे और घर जाने के बाद इस पर जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर है नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जो फंक्शनल ग्रुप है उसको इस तरीके से लिखा जाता है C OH, ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। इसे सिंपली CHO के फॉर्म में लिखा जाता है। देखो, अगर CHO लिखा है और COH लिखा है, दोनों में बहुत अंतर है बेटा। CHO लिखा हुआ है तो एल्डिहाइड है, बट COH लिखा हुआ है तो एल्कोहल है। इस बात को ध्यान देना, ये एल्कोहल है और ये एल्डिहाइड है, जो दोनों बातें सेम है। आप कहेंगे बस ऑक्सीजन को बीच में कर दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन को किनारे कर दिया, लेकिन उस ऑक्सीजन को बीच में और किनारे करने से पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप बदल जाता है। अगर ऐसा कहीं लिखा नजर आए तो क्या होगा? एल्कोहल, और ऐसा लिखा नजर आए तो एल्डिहाइड। तो CHO है यानी कि एल्डिहाइड। ठीक, हम एल्डिहाइड के बारे में डिस्कशन करें। कोई मुझे इसका प्रीफिक्स बता दो बेटा, अगर किसी को याद है इसका प्रीफिक्स तो। इसका प्रीफिक्स क्या होता है? फॉर्मिल या एल्डो या फॉर्मिल, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो, एल्डो और फॉर्मिल, ये इसका प्रीफिक्स है। ओके, सफिक्स बताइए कोई, अगर किसी को सफिक्स याद हो तो। अल, AL इसका सफिक्स है। प्रीफिक्स एल्डो है या फॉर्मिल है, जबकि सफिक्स इसका अल है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बेटा। प्रीफिक्स आपको पता चल गया, सफिक्स आपको पता चल गया, बेसिक रूल आपको पता है। देखो बेटा, कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे होते हैं जो जहाँ से शुरू होते हैं, जहाँ से खड़े होते हैं लाइन में ऐसे शुरू होती है। ये अमिताभ बच्चन है, समझ लो। अगर ये फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं तो नंबरिंग वहीं से शुरू होगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। और उन फंक्शनल ग्रुप में से कुछ बेसिक फंक्शनल ग्रुप है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, एल्डिहाइड CHO, नाइट्राइल यानी कि या साइनाइड जिसे बोलते हैं CN, ये वो फंक्शनल ग्रुप हैं जो जहाँ पे लगे होंगे हमेशा नंबरिंग में से शुरू हो जाएगी और बहुत ही आसान होता है। अब आपको ढूंढना नहीं पड़ता है नंबरिंग लेफ्ट से करें या राइट से करें,
इन फंक्शनल ग्रुप में मैं लिख देता हूँ उन सारे फंक्शनल ग्रुप का नाम, जैसे सबसे पहले सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, या सी डबल बॉन्ड ओ एच, या सी ट्रिपल बॉन्ड एन। ये वो फंक्शनल ग्रुप हैं जो कहीं भी लगा दिया जाए तो नंबरिंग हमेशा यहीं से शुरू होगी। यानी कि अगर ये लगे हुए हैं तो समझ लो नेमिंग आसान हो जाती है, आपका एक स्टेप अपने आप गायब हो जाता है। कौन सा? ये देखना कि लेफ्ट से नंबरिंग करें या राइट से, ये गायब हो जाता है और बहुत ही आसान हो जाता है फिर तो। हमें तो इन सब के तीनों के बारे में भी डिस्कशन नहीं करना अभी, तो फिलहाल हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? एल्डिहाइड के। तो बाकी दोनों मैं हटा दे रहा हूँ और सिर्फ एल्डिहाइड के बारे में डिस्कशन करता हूँ। सबसे सिंपलेस्ट दुनिया का सबसे एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो सी डबल बॉन्ड हो और एक तरफ एच रहेगा, तो एक तरफ आप कुछ भी लगा सकते हो, यही ना। तो मैं पहले सबसे दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड बनाना चाहूँ तो मुझे इस कार्बन के साथ यहाँ क्या जोड़ना पड़ेगा? कोई बताएगा क्या जोड़ना पड़ेगा? H जोड़ना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या जोड़ दिया बेटा? H, ठीक है। ये दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड है जिसका कॉमन नेम होता है फॉर्मल्डिहाइड, याद रखेंगे सब लोग। इसका कॉमन नेम क्या हो गया? फॉर्मल्डिहाइड। और IUPAC लिखते समय आपको पता करना होता है कितने कार्बन है, बताओ कितने कार्बन है? एक कार्बन है। अगर सिर्फ एक कार्बन है तो मिथ, और एन ऑब्वियसली एन लगेगा, इसमें इन तो है नहीं तो मिथ। अच्छा कुछ बच्चे हो सकता है ये गड़बड़ा जाए ये देख करके कि सी डबल बॉन्ड हो आपको दिख रहा है तो इन क्यों नहीं लगाया। कितने लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा है? ईमानदारी के साथ सवाल आए तो पूछ लेना, डरना नहीं। ये मत सोचना कि हम लोग नीट के लिए बैठे और हमें इतनी छोटी सी बात नहीं समझ आ रही है, या हम जेई के लिए बैठे और हमें इतनी छोटी सी बात नहीं समझ आ रही। ये मत सोचना क्या आता है क्या नहीं आता, वो बात की बात है। आपको जो भी समझ में ना आए वो तुरंत उसी टाइम पे पूछ लेना, और अगर आपने ऐसा किया तो समझ लो कि फिर आपका कॉन्सेप्ट बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज होगा। लेकिन अगर आपने छुपा लिया कि भैया मुझे नहीं आता, और अगर मैंने नहीं पूछा तो अगर पूछ लिया तो अगल बगल वाले मजाक करवा उड़ाएंगे, यार यार इसको ये भी नहीं आता। तो अगल बगल वालों के बारे में मत सोचना, वो ऐसे लोग हैं ना जो चमत्कार देख के नमस्कार करते हैं। आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आपको बोलेंगे हमने बोला था इसको, क्यों जा रहा है पढ़ने के लिए, नहीं होगा तेरा। और अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आप ही की तारीफ करेंगे, मैंने बोला था इस लड़के के अंदर काबिलियत है, ये कुछ ना कुछ कर लेगा। तो पड़ोसियों के चक्कर में मत पड़ना, ये रायचंद्र हैं, राय देने के लिए पहुंच जाते हैं हर जगह पे। सिर्फ अपने बारे में सोचो, अगर तुम्हें नहीं समझ आया तुरंत पूछो। कॉमन नेम है फॉर्मल्डिहाइड और एक सिंगल कार्बन है, इसलिए मैंने इसको नाम दिया है मिथ। और देखो यहाँ पे कार्बन की चेन में एन या इन आनी चाहिए, कार्बन की चेन में डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तब एन इन आएगा। कार्बन की चेन के बाहर अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कार्बन की चेन, अगर हमें यहाँ पे कार्बन लिखता तो कार्बन की चेन सीधी आती, ऊपर कार्बन की चेन नहीं जा रही है, इस वजह से यहाँ पे ये इन यूज नहीं करेंगे। तो IUPAC नेम लिखते समय इसका नाम हो जाएगा मिथ एन, और ई हटा के क्या लगाना होगा? अल, तो मिथेनल इसका नाम हो गया। ये तो सबसे पहला सिंपलेस्ट एल्डिहाइड था। मैं थोड़ा सा एल्डिहाइड और बदल देता हूँ और एक कार्बन बढ़ा करके एल्डिहाइड को सेकंड सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड बना देता हूँ। जब भी कभी ये वाला ग्रुप दिखे ना, किसी भी फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्ट CH3 लगा हुआ दिखे तो समझ लो AC लगा देंगे। क्या लगाएंगे? अरे वो वाला AC नहीं, ACE AC, ठीक है। तो इसका नाम इस बार क्या हो जाएगा? एसिटल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? एसिटल्डिहाइड। तो यहाँ पे इसका कॉमन नेम हो गया बेटा एसिटल्डिहाइड। फिर से बता दे रहा हूँ, अगर कहीं भी किसी भी फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्ट CH3 लगा होगा तो उसे क्या बोलेंगे? AC। अगर मैं यहाँ पे अब इसी जो ऐसे एग्जांपल यहीं पे लिख देना, मैंने यहाँ पे CH3 लिया डबल बॉन्ड O, चलो H लिखता हूँ और OH। ये क्या दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है? तो पहले बारे में H था तो हमने फॉर्म लगाया था, क्या लगाया था? फॉर्म। और एल्डिहाइड तो था ही, इसका नाम हो गया था फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? फॉर्म। और क्या है ओइक एसिड? क्या नाम हो जाएगा? फॉर्मिक एसिड। इसका नाम हो जाएगा फॉर्मिक एसिड। तो H लगा है तो फॉर्म, और CH3 लगा है तो AC। तो H लगा था इसलिए फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ पे फॉर्मिक एसिड। और अगर मैं यहाँ पे CH3 लगा देता तो यहाँ पे आपने कहा एसिटल्डिहाइड, तो ये क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड। क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड। क्लियर हो रहा है ना? गुड। तो ये एसिटल्डिहाइड हो गया, इसका आयु पैक हो जाएगा IUPAC। बताओ दो कार्बन है ना, तो दो कार्बन के लिए बताओ फिर क्या लिखूं? इथ एन लगा दूं, इथ एन हो गया। आगे
अल लगा दूंगा, तो क्या नाम जाएगा? इथेनल। क्लियर है? आगे आते हैं, तीसरा सवाल। मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH, कम ऑन बताओ बेटा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आयुपैक। अब IUPAC बताएंगे, जो जो आपको कॉमन जानना था वो जान गए, अब आप सिर्फ IUPAC बताएंगे। तो इसका तीन कार्बन है तो प्रोपेनल। चलो चौथा क्वेश्चन फिर से, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और H। अब आपको इसका नाम बताना है, तो आपने कहा कि नंबरिंग, हमें तो ये पता चल गया नंबरिंग बहुत ही आसान है, क्या है? वहीं से शुरू होगा जहाँ पे C लगा हुआ है, तो अब आपने C जहाँ पे लगा हुआ नंबरिंग वहीं पे शुरू कर दिया, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? प्रोप। अब आपने कहा प्रोप इन आ जाएगा, लेकिन इन के नंबरिंग देना होगा, कौन सा नंबर पिन है, तो प्रोप टू इन। अब ई हटा दूँ या रहने दूँ? हटा देता हूँ। आगे क्यों? क्योंकि मुझे वन नंबर पे अल भी तो लगाना है। अब इसी को हम कुछ लोग बहुत ही सिंपल तरीके से प्रोप टू ई नल यूज कर सकते हैं। तो क्या यूज कर सकते हो आप? प्रोप टू ई नल। टू ई नल क्यों लिखा? इन बता रहा है दूसरे नंबर पे, अल अल तो पता है ना, कुछ एक ही नंबर पे रहेगा, पहले नंबर पे रहेगा, वो जहाँ से शुरू खड़ा हो जाएगा वहीं से लाइन शुरू हो जाएगी। तो आपने कहा इसको नाम लिख सकते हैं प्रोप टू इन वन अल या प्रोप टू ई नल। चलिए पांचवा क्वेश्चन, बहुत ही आसानी से आप आंसर देंगे। अगर मैं, अच्छा ये क्वेश्चन नहीं है, पहले बस ये बताने के लिए है, अभी कोई लिखेगा नहीं, लिखने का पूरा प्रॉपर टाइम दूंगा, सब्र। मैं पहला क्वेश्चन ये पूछूंगा कि आप मुझे ये बताएंगे कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, और अगर इनकरेक्ट है तो क्यों है, करेक्ट है तो क्यों है। ठीक, तो CH3CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH, क्या ये करेक्ट एल्डिहाइड है? क्या ये करेक्ट एल्डिहाइड है बेटा? नहीं है। अगर करेक्ट नहीं है, कुछ गलती है, तो क्या गलती है? कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, अच्छा कार्बन के साथ पांच बॉन्ड, ये गलती है, वेरी गुड। तो यहाँ पे गलती ये हो गई कि कार्बन के पास आपकी पांच वैलेंसी है, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल कभी बन ही नहीं सकता। ठीक, तो पकड़ लिए आप लोग, समझदार हो गए। चलो अब बताओ बेटा इसका नाम क्या करूं? नंबरिंग तो सबको पता है, कहाँ से शुरू होगी? 1, 2, 3। दूसरे नंबर पे क्या लगा है? मिथाइल। तो नाम बताओ। प्रोप नहीं, नहीं आइसो नहीं यूज करेंगे, IUPAC में आइसो नियो नहीं यूज होता, नंबरिंग होगा। और नॉर्म बताओ, नंबरिंग में हमें एक मिथाइल पता है, तो टू मिथाइल प्रोप इन अल। क्लियर है? टू मिथाइल प्रोपेनल, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 6, आ जाओ बेटा। अब जो सवाल पूछने वाला हूँ उसका जवाब मुझे लगता है कि हर किसी को आता होगा। हाँ क्यों नहीं लिखा? वन लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो अगर मैंने वन नहीं लिखा है तो कोई गलत बात नहीं। ठीक है, आप लिख भी सकते, देखो यहाँ पे मैंने वन लिखा, यहाँ पे नहीं लिखा, तो वन लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते। चलो सबको पता है इसका आंसर क्या है, शुरू हो जाओ। वन यहाँ से शुरू होगा, 1, 2, 3, 4, वेरी गुड। 3-bromo, 4-chloro, but, अच्छा मिथाइल भी है बेटा, कहाँ पे मिथाइल है? 2-methyl-but, 2-in-al, 2-in-al लिख दिया। ठीक है, करेक्ट है, गुड। अब जो सवाल पूछ रहा हूँ इसका भी जवाब आपको आता, सारे जवाब तो आपको आते हैं, मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, सब कुछ आता है भाई आप लोगों को, आप लोग महान हो।
बस आपको विश्वास नहीं है, आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, यही सीख जा बेटा। एक टीचर का काम ये नहीं होता पढ़ाना, एक टीचर का सिंपल सा काम होता है कि आप जो कुछ जानते हो उसके ऊपर से धूल को साफ करके उसको क्लियरली आपके सामने रखना। आ जाइए बेटा, देखो कोई सुंदर सी जगह मिले तो, किसी लड़की के बगल में अगर बैठते हो तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज लेना होगा। तो अब बताओ इसका नेमिंग कैसे करें? एक दो तीन चार और पाँच, बताइए क्या लिखेंगे? बहुत ही आसान है, पेंट, वेरी गुड। वन फाइव डाई अल, एन काउंट लगाएगा। तो इसका नाम हो गया पेंटेन, पेंट एन है ना, वन कॉमा फाइव डाई अल, पेंटेन वन कॉमा फाइव डाई अल, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है ना? सोचो जरा, अगर मैं आपसे पूछता यही क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता, मैंने इसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, अब इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। पेंटेन वन थ्री फाइव डाई ट्राई ट्रायल, इन्होंने आंसर दिया है पेंटेन, ये हटा दूं? ठीक है, वन थ्री फाइव ट्राई अल। कितने लोग इनके समर्थन में है जरा हाथ खड़ा करें, एक। तो तुम्हारा वोट है, तुम दे सकती हो, इसमें अगल बगल को क्यों देखना, ठीक है? एक, बस एक। अच्छा कितने लोग कह रहे हैं ये गलत है? चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, ठीक है। तुम बेटा ऐसा कर रहे थे या फिर? अच्छा अच्छा ठीक है। किसका कार्बन? तो मतलब तुम क्या आना चाहते हो, यहाँ हेक्स लिख दूँ? नहीं, अभी भी मॉडिफाई कर सकती। चलो हमारे गांव में पता है एक कहावत थी, जब हम खेल खेलने जाते थे तो मान लो अगर आप खेल रहे हैं और तीसरा बंदा, मतलब कोई गेम हो रहा है और आप पहुंच गए वहाँ पे और आपको नहीं खिलाया जा रहा है, तो वो क्या बोलते थे? खेलब ना खिलाई, बस खिलवे बिगाड़ब, एक भोजपुरी में कहावत। इसका मतलब समझे? या तो खिलाओ या तो किसी को खेलने नहीं देंगे, ये उसका मतलब है। ये अवधी लैंग्वेज है जो मैंने अभी अभी बोला, ये यूपी और बिहार में चलता, और इसका सिंपल सा मतलब ये है कि या तो आप मुझे भी खिलाओ या तो कोई नहीं खेलेगा आज, इतनी दबंगे चलती थी। यहाँ पे अगर मैं नंबरिंग करता हूँ, जरा ध्यान से सुनना, अगर सेम वही रूल यहाँ पे लागू हो रहा, मैं इसे हटा दूँ बेटा ये गलत है, सॉरी हाँ। तो वन टू थ्री फोर फाइव आपने नंबरिंग कर दिया, अगर आपने वन टू थ्री फोर फाइव नंबर किया तो ये दो सी एच ओ ग्रुप हैं जो नंबरिंग में इंक्लूड हैं, लेकिन ये इंक्लूड, अब इसे बुरा लगेगा कि आखिर मेरे अंदर क्या कमी है। तो आपने कहा चलो अच्छा एक काम करते हैं, इसे हटा देते हैं। अब मैं इधर से नंबरिंग करता हूँ वन टू थ्री फोर, अब ये छूट जाएगा, अब इसको बुरा लगेगा। अगर आप कहते हैं वन टू थ्री फोर, अब ये छूट जाएगा। क्या कोई ऐसा तरीका जिसमें तीनों नंबरिंग में आ जाएं? नहीं है, कोई तरीका नहीं है। तो एक ही ऑप्शन है, या तो तीनों को खिलाओ या तो किसी को नहीं। तो या तो हम तीनों को नंबरिंग में लेंगे या तो किसी को नंबरिंग में नहीं लेंगे। इस केस में पुराना वाला जो तरीका था 2011 से पहले एक तरीका आया था यूपीएससी का, यूपीएससी के करूँ आईयूपीएससी का, वह लगता उसमें आप इसको प्रीफिक्स के तौर पे लिखे लिख सकते थे, आप चाहते थे इसका प्रीफिक्स और इन दोनों का सफिक्स यूज कर सकते थे। सीएचओ का प्रीफिक्स क्या है? फॉर्मिल। तो आप लिख सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव, थ्री फॉर्मिल पेंट आगे वन फाइव डाई अल, लिख सकते हो पेंटेन वन फाइव डाई अल, वो करेक्ट आंसर था। लेकिन अब मॉडिफाई होकर के जब दोबारा से आईयूपीएससी आया और इनका नया रूल बना, तो उन्होंने कहा नहीं, हम तीनों में से किसी को भी अगर नंबरिंग देना है तो सबको देंगे, अदरवाइज किसी को नहीं देंगे।
तो हमने कहा ठीक है मत दो, तो ये भी नंबरिंग से बाहर हो गया, ये भी नंबरिंग से बाहर हो गया, ये भी नंबरिंग से बाहर हुआ। माना कि ये जहाँ खड़ा होता था ना लाइन वहीं से शुरू होती थी, अभी इसके जैसे तीन खड़े हैं तो लाइन कहाँ से शुरू करोगे, तीनों पावरफुल है, तीनों बीजेपी के नेता है मान लो, तो आप मजबूरी है अब या तो कहीं से शुरू ना करो। अब आपके पास सिर्फ तीन कार्बन बचे, कौन कौन से, एक दो तीन। अब चाहे इधर देखो सिमेट्री दिख रही है, इधर चलेंगे वन टू थ्री, इधर चलेंगे वन टू थ्री, तो वन टू एंड थ्री। एक और बात, जब कभी किसी को नंबरिंग में यूज नहीं करोगे तो सफिक्स अल नहीं होगा, देखो सफिक्स हम अल यूज कर रहे हैं, तब जब नंबरिंग में यूज करते थे जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चन किए उन सारे क्वेश्चन में ये जो कार्बन है इसको नंबरिंग में यूज किया है, इस वजह से मैंने अल लगाया है। अगर आप इसको नंबरिंग में यूज नहीं करते तो इसका पूरा का पूरा नाम रखना पड़ेगा, पूरा का नाम, पूरा नाम क्या है, कार्बल डिहाइड, इसका नाम क्या है, कार्बल डिहाइड, तो इसका पूरा नाम लिखना होगा कार्बल डिहाइड। बता बेटा निधि, प्रोपेन वन, अब ई लगाऊं या ना लगाऊं, लगाना पड़ेगा, तो प्रोपेन वन थ्री फाइव ट्राई पंत्रो, अच्छा वन टू थ्री, सॉरी वन टू थ्री ट्राई कार्बल डिहाइड। क्या ये बात क्लियर हुई सबको, फिर से एक बार बताओ, अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप, अब उसमें से तीन फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से, तीनों नाम लिखा था क्या कहीं किस, हटा दिया था ना, कौन कौन से तीन थे, सी एच ओ सी ओ एच और सी एन। अगर ये तीनों फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि हमेशा साइड में रहेंगे, और अगर ये दो से ज़्यादा बार लगे हुए हैं तो हमारे समझ लेना कि तीनों एक साथ तो नंबरिंग में इंक्लूड नहीं हो सकते, उस केस में इन सबका पूरा का पूरा नाम लिखा जाएगा। जैसे ओइक एसिड की जगह क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे एल्डिहाइड की जगह आपने अल की जगह क्या लिखा, कार्बल डिहाइड, वैसे ओइक एसिड की जगह क्या लिखोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इन सारे क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए और मुझे बताइए क्या कोई ऐसी जगह है जो आप, आपको ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको दिक्कत आ रही है, फिर से बोलिए इस पे, ठीक है अच्छा, एक दो तीन चार ऐसे काउंट करने की बात करो, तो आपने इसको नंबरिंग में इंक्लूड कर दिया, अब ये दोनों नाराज नहीं हो जाएंगे, मैंने बोला ना तीनों सेम हैं, तो आपके या तो तीन के तीनों को नंबरिंग में इंक्लूड करोगे या तो किसी को भी नहीं, क्लियर है, ओके गुड। अब इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे, फिर जाके हम कीटोन की नेमिंग करेंगे। विहान का एक डाउट है, उस पर एक क्वेश्चन और बन रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। जस्ट लाइक दिस सर, ऐसा करना चाह रहे हो, हाँ चलो, कितने लोग बताएंगे इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कितने लोग तैयार हैं बताने के लिए, बता बेटा, टू मिथाइल, वेरी गुड, ब्यूट थ्री इन वन आल, वेरी गुड, तो हो गया आपका नंबरिंग 1 2 3 4। अभी कहीं भी रहे नंबरिंग तो वहीं शुरू होगा क्योंकि वह अकेला है, तो क्या हो जाएगा, थ्री टू मिथाइल, टू मिथाइल ब्यूट थ्री इन वन अल, बहुत अच्छा। नेमिंग ऑफ कीटोन, कीटोन का फॉर्मूला क्या है बेटा, सी डबल बॉन्ड ओ, ये है कीटोन, ठीक है क्लियर है। अब इसका सफिक्स कोई मुझे बताना चाहेगा, पहले तो प्रीफिक्स बता दीजिए, कीटो या ऑक्जो, और इसका सफिक्स क्या था, ओ एन ई ऑन, है ना, ठीक है। दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट कीटोन क्या करूं, दोनों तरफ क्या लगा दूं, H, दोनों तरफ CH3 लगाना पड़ेगा,
तो कीटोन का ये R और ये भी R या R डैश, तो CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3। चलो जल्दी से मुझे बताइए इसका नाम क्या होगा। नहीं, कॉमन नेम अगर मैंने आपको बताया, सिंपलेस्ट कॉमन नेम, एक तरफ CH3 है, एसीटोन, मैंने बोला ना अभी AC लगाते हैं, CH3 है तो क्या नाम होगा इसका, एसीटोन, कॉमन नेम हो गया इसका एसीटोन। आयु पैक सबको पता है, बताओ बेटा आयु पैक, प्रोपेनोन, ठीक है, ओके। दूसरा सवाल, मैंने एक तरफ थोड़ा सा बढ़ा दिया एक चेन और बाकी वही रहने दिया, अब बताओ नंबरिंग इधर से करेंगे, इधर से या इस तरफ से, ओके, तो 1, 2, 3 एंड 4, बताओ क्या होगा बेटा, ब्यूटेन कौन से ओन पे, 2 ओन, चलो इसका नाम बताओ बेटा, अब नंबरिंग इधर से शुरू करोगे या इधर से शुरू करोगे, अभी भी इधर से शुरू होगा, 1, क्यों, क्योंकि दूसरे नंबर पे कीटोन है इधर से दूसरे नंबर पे एल्कीन है, तो नंबरिंग इधर से शुरू होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, क्लियर है, बताइए हेक्स, आ जाओ बेटा, देखो एक सीट इधर खाली है और एक सीट उधर खाली है, चले जाइए, तो आपने क्या क्या, इसका नाम क्या बताया, फिर से बताइए, हेक्स 4 इन, क्या ई हटाऊं या रहने दो, हट जाए, 2 ओन, चलो इस बार साइकिल है, साइकिल साइक्लो पेंटेन, चलो नंबरिंग किधर से करूं, राइट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, 1, 2, 3, 4, 5 एंड नाम बताओ बेटा, साइक्लो हेक्स 3 इन, ये हटा दूं, 1 ओन, ठीक, चलो बताओ बेटा, कम ऑन, नंबरिंग इधर से करूं इस बार, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, अच्छा क्लॉकवाइज, तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, बताओ बेटा, 6 मिथाइल साइक्लो हेक्स, पक्का हेक्स रहेगा, हेक्स आ आगे 2, 4, 2, 4 डाई इन ऑल, ठीक है, इन ऑन ओन, ठीक है, चलिए इस वाले सवाल का जवाब देंगे आप लोग, अब आपको पता करना है नंबरिंग किधर से होगी, क्लॉकवाइज यहां से करूं, कहां से, यहां से ऊपर से करूं, ओएस से कर दूं, ऑक्सीजन को एक नंबर दिया जाता है,
नंबरिंग कहाँ शुरू होती, कार्बन से ना, तो कार्बन कहाँ दिख रहा है, सबसे कोने वाला कार्बन कौन है, या तो ये है और या तो ये, तो नंबरिंग या तो यहाँ से शुरू होगी या तो यहाँ शुरू होगी। तो यहाँ से इसलिए नहीं शुरू होगी क्योंकि दूसरे नंबर पे सीएल दिख रहा है, यहाँ से दूसरे नंबर पे ओएच दिख रहा है, तो नंबरिंग यहाँ शुरू होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। चलो अब आपके पास फंक्शनल ग्रुप और भी हैं। अभी आपके पास टोटल कितने फंक्शनल ग्रुप है, एक तो हैलोजन है, दो हैलोजन है, एक ईन है और एक एल्कोहल। मैंने बोला था जब एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो जो सबसे सुपीरियर होता है उसका सरनेम और बाकी सबका प्रेफिक्स यूज करते हैं। तो बताओ इसमें सबसे सुपीरियर कौन है, एल्डिहाइड है, इसका क्या यूज होगा, सफिक्स यूज होगा और बाकी सबका प्रेफिक्स। अब प्रेफिक्स में यह है क्लोरो, यह है ब्रोमो और यह है हाइड्रोक्सी, तीन प्रेफिक्स हैं। तो अब आप बताओ क्लोरो ब्रोमो और हाइड्रोक्सी इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले कौन आएगा, ब्रोमो, तो क्या लिख दूं, 4-bromo लिख दिया मैंने, ओके। और आगे क्या लिखूं, 6 नंबर पे क्लोरो लिख दिया, 2 नंबर पे हाइड्रोक्सी लिख दिया, बाकी मैं समझ लूं, आगे हेप्ट हेप्ट 4 नंबर पे इन लिख दिया और 3 नंबर पे ओन लिख दिया, ठीक है। चलो नोट करो बेटा, ओ एन ई थोड़ा धीरे धीरे बोले, मैं समझ नहीं पाया, हेप्ट यहाँ पे हेप्ट लिख दूँ उसके आगे, फोर ना लिखूँ, हेप्टीन लिख दूँ, हाँ लिख सकते हो, मैं मना कहाँ कर रहा हूँ, आप फोर हेप्टीन आप फिर तीन ऑन लिखना पड़ेगा, ऐसे लिख सकते हो, ऑप्शन फोर नहीं रहेगा तो ऑप्शन ही गलत है, फिर ऑप्शन फिर तो मतलब उसको देखना ही नहीं है, फिर आगे बढ़ जाओ, नन ऑफ दीज का एक ऑप्शन रहेगा, कैसे रहेगा बेटा, इसका मतलब जिसने जितने क्वेश्चन पेपर बनाया वो चूत। मुझे एडिटिंग आती ही नहीं। बताओ नंबरिंग इधर से करें, इधर से अब तो पक्का, इधर से क्यों, इधर से CH3 है और इधर से BR, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। चलो बताओ बेटा फटाफट, अब ये आपके पास दो ब्रोमो हैं और क्या है, बस दो मिथाइल है, चलो क्या करूँगा, 3, 5-di-bromo आगे 4, 6-di-methyl-oct आगे एन ऑक्टेन आगे 2-5 अच्छा 2-7 ठीक। कहाँ पे,
नहीं नहीं जैसे ये मिथाइल होता है, इस मिथाइल जो हमने लिखा डाई मिथाइल, तो मिथाइल में ही डाई यूज हो रहा होता, जिस फंक्शन ग्रुप के बारे में बात कर रहे हो उसमें ही डाई यूज हुआ है तो डाई नहीं लगाओ। जैसे इथाइलिन डाई अमाइन, ये एक फंक्शन ग्रुप है, तो इथाइलिन डाई अमाइन लिखा है तो ये पूरा का पूरा फंक्शन ग्रुप है उसके पहले, और वो दो बार लगा है तो डाई इथाइलिन डाई अमाइन नहीं लगेगा, क्योंकि इथाइलिन डाई अमाइन जो है उसमें पहले से डाई यूज हो चुका है, तो इसलिए हम बेस लगते हैं। ये दोनों अलग अलग के लिए, ये ओन के लिए डाई यूज किया, ये डाई मिथाइल के लिए यूज किया, अलग अलग के लिए यूज किया, एक ही के लिए नहीं यूज किया हमने। नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, आप सबको पता है ना, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और सबसे खतरनाक फंक्शनल ग्रुप है, यही सबसे बड़ा है, सबसे सुपीरियर है, तो आप समझ गए जहाँ से खड़ा होगा लाइन वहीं से शुरू होगी, ये बात भी पता है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप जो है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, सबको पता है ये बात, यही है ना बेटा। इसका बताओ सफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स तो लिखूंगा ही नहीं इसका, क्यों, क्योंकि इससे बड़ा कोई ग्रुप नहीं, तो इसका प्रीफिक्स कहाँ लगाओगे, लगाओगे क्या कहीं, नहीं, तो मैं प्रीफिक्स लिख ही नहीं रहा, सीधे सफिक्स लिख रहा हूँ इसका। क्या है सफिक्स, ओइक एसिड, माना इसका प्रीफिक्स कार्बोक्सी है, क्या कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर मैं इसका फिर से एक बात बता रहा हूँ, अगर मैंने नंबरिंग में इसका यूज कार्बन यूज किया है तो एक एसिड लिखूंगा, और अगर नंबरिंग में यूज नहीं किया तो इसका पूरा नाम लिखूंगा, क्या नाम है उसका, कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो आओ अब पहला क्वेश्चन, दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड कौन होगा, एच सी डबल बॉन्ड ओ एच, यही है ना, नाम बताओ, कॉमन नेम क्या है बेटा इसका, फॉर्मिक एसिड। आयु पैक क्या है, आयु पैक क्या है बताइए, मिथेन ओइक एसिड। ठीक है, दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड थोड़ा सा बदल देता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ हल्का सा, अब बताओ इसका कॉमन नेम, एसिटिक एसिड, और इसका आयु पैक बेटा, इथेनोइक एसिड। चलो बताओ बेटा, नंबरिंग आपको पता चल गया, वहीं से शुरू होगा, 1 2 3 4, थ्री टू नंबर पे क्या है, क्लोरो, और थ्री नंबर पे क्या है, मिथाइल, तो क्या हो गया इसका नाम, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूट एन ओइक एसिड। चलो बताओ बेटा, टू क्लोरो टू मिथाइल पेंट थ्री इन वन ओइक, तो इनोइक एसिड लिख दूं तो गलत हो जाएगा क्या, नहीं, इनोइक थ्री इनोइक एसिड भी लिख सकता हूँ। बता बेटा, फोर फाइव डाइमिथाइल थ्री फोर डाइमिथाइल, इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप है,
एक ही फंक्शनल ग्रुप है। ये दो सी एस थ्री, दो मिथाइल है, दो इन है और एक ओल है। अच्छा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड। तो नंबरिंग कहाँ शुरू, 1, 2, 3, 4, 5, 6। चलिए 3, 4, 3, 4। अच्छा, 3 के बाद 4 नहीं है। अच्छा अच्छा, 3, 4 डाई मिथाइल आगे। ओके, हेक्सा 3, 5 डाइईन ओइक एसिड। कितना सिंपल है यार, ऐसे छोटी छोटी चीज़ें बताओ। चलो, बहुत ही आसान है। हाँ, 2, 3, 4 ट्राई मिथाइल। आगे बताना बेटा, पेंट 1, 5 पेंटा, पेंट के बाद इन 1, 5 डाई ओइक एसिड। क्लियर है? बिस फिर से क्लियर कर लेते हैं। बिस का यूज तब होता है जब जो जिस फंक्शनल ग्रुप के लिए आप लगा रहे हो, मान लो आपके पास इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसिटेट EDTA दो बार यूज किया गया, तो दो बार EDTA में पहले से डाई यूज हुआ है और वो दो बार यूज किया है, तो मैं डाई फिर इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसिटेट नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि जिस फंक्शनल ग्रुप के लिए आप बात कर रहे हो वो फंक्शनल ग्रुप में पहले डाई यूज हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे वही, यहाँ पे जो आपने डाई ट्राई यूज किया है मिथाइल के लिए यूज किया है, तो मिथाइल में मिथाइल वर्ड जो आपने यूज किया है, मिथाइल, इस मिथाइल में कहीं भी डाई यूज नहीं हुआ है इसलिए आपने डाई यूज कर लिया। अब ओइक एसिड में भी कहीं डाई यूज नहीं हुआ है तो इसलिए आपने डाई यूज किया। अगर ये जो फंक्शनल ग्रुप यहाँ लगा होता इसमें कहीं डाई यूज हुआ होता तो आप बीस यूज करते। आगे सातवां सवाल, प्रॉप 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। कितने लोग कह रहे हैं बिल्कुल सही है ये? हाथ खड़ा करें। कितने लोग कह रहे हैं कुछ तो गलती है, कुछ तो है? क्या गलती है? एन आएगा। ई लगा दूं या नहीं? तो प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, जरा सा अंतर, छोटी सी गलती आपको या तो प्लस 4 मार्क्स या तो माइनस 1 मार्क्स दिला सकते, ऑप्शन होता ही नहीं है। ऑप्शन में सबसे पहले वही दिख रहा होता और ये सबसे आखिरी में दिखता, डी तक पहुंच ही नहीं पाती। इतना प्रेशर होता है ना ऑप्शंस में, जेई वालों से पूछो, उनका आंसर ऐसा होगा एक ही जैसा दिखेगा, सब सारे ऑप्शन एक ही जैसे दिखते, और ये क्या हो गया, अच्छा ये भी हो सकता है, हाँ यार ये भी तो हो सकता है। नीट में चलो दूर दूर तक ऑप्शन अलग अलग रहते हैं, क्वेश्चन वही नीट में भी होगा वही जेई में भी होगा, बट अंतर सिर्फ क्या होगा, नीट में दूर दूर तक ऑप्शन होंगे तो आपको तुक्का मार लोगे, हाँ ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, एलिमिनेशन मेथड लग जाएगा। जेई में ऐसा नहीं होता, सारे ऑप्शन एक जैसे, अरे यार ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, अब करो मारो तुक्का, नहीं लगेगा।
इस तरीके से आपने कार्बोक्सिलिक एसिड सीख लिया। क्या हुआ बेटा? मैंने बोला था ये ई तब हटेगा जब इसके बाद जो भी फंक्शनल ग्रुप आपने लगाया वो ए ई आई ओ यू से शुरू हो। तो ये आपने कार्बोक्सिलिक एसिड सी से शुरू किया, क्या ये बोवेल है? इस वजह से हमने ई लगाया। और नंबरिंग मैंने यहाँ से की क्योंकि एक फंक्शनल ग्रुप ये है, एक फंक्शनल ग्रुप ये है, एक ये। अगर इसी को थोड़ा सा सिंपल तरीके से ऐसे लिख देता ना, क्लियर समझ में आता। देखो देखो सेम यही चीज़ मैंने ऐसे लिखा है, अब यहाँ क्लियर दिख रहा है कि 1 2 3 यही ना, बहुत ही आसानी से क्लियर हो बेटा। बगल वाली क्लासरूम से चेयर ले आना होगा आपको। नेमिंग ऑफ एस्टर, पहले तो एस्टर देखो क्या होता है। ये है आपका एस्टर ग्रुप, ठीक है? कोई मुझे इसका प्रीफिक्स बताएगा, याद होगा तो एल्कोक्सी कार्बोनिल। अच्छा सफिक्स बताओ बेटा, ओ एट, यही ना? ठीक। सबसे पहला, सबसे सिंपलेस्ट एस्टर, मैंने यहाँ एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ और सी एच थ्री। क्या बेटा कहाँ पे? अब ये आपको दिख गया। अब आप मुझे बताएंगे इसका नाम, मैं इसका नाम मैं बताऊंगा, बाकी सबका नाम आप बताओगे। इसका नाम मैं बताऊंगा, सिंपल है ना? बाकी सब टफ वाले होंगे, वो आपका उसका नाम आपको बताने की जरूरत पड़ेगी। इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा तो सबसे पहले ये लिखोगे, ये क्या है? मिथाइल। तो आपने लिख दिया मिथाइल। अब एक सिंगल कार्बन है तो मिथेन, और आखिरी में क्या लगाना है? ओएट। इसका नाम क्या होगा? मिथाइल मिथेनोएट। क्या क्लियर हो गया? क्या नाम हो गया? मिथाइल मिथेनोएट। दूसरा सवाल आप बताओगे, बताओ बेटा, मिथाइल इथेनोएट। कॉमन नेम नहीं बेटा इसका। बताओ इसका नाम। इधर दो कार्बन है, इथाइल हो गया, इधर 1 2 3 तो क्या हो जाएगा? इथाइल बता बेटा। हाँ वेरी गुड, मिथाइल लिख दिया। अब नंबरिंग इधर से 1 2 3 4 एंड 5 तो क्या हो जाएगा? मिथाइल के बाद आगे क्या लिखूं? 3 4 मिथाइल। एम पहले आएगा या एच पहले आएगा? तो हमें लिखना चाहिए यहाँ पे 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन ओएट। चल ये क्या हो गया? प्रोपाइल और 1 2 3 तो प्रोपाइल प्रोपेनोएट।
चलो बेटा, इथाइल लिख दिया, टू ब्रोमो थ्री मिथाइल, आगे पेंट फोर इन ओएट ओएट इन ओएट, ये हटा दूं इन ओएट, कम ऑन, इथाइल आगे टू क्लोरो फोर हाइड्रोक्सी थ्री मिथाइल पेंटेन ब्यू वन टू थ्री फोर ब्यूटेनोएट एच। छोटी सी गलती, आप पेंट पहले वाले ऑप्शन में दिखता करके चले आते, आपने एच पे ध्यान नहीं दिया क्योंकि कभी लिखा ही नहीं, कभी इसके पहले किसी क्वेश्चन में एच लिखा ही नहीं था, इस बार एच लिख दिया। क्या गलत है? फोन नंबर क्या? हाइड्रोक्सी। हाँ तो हाइड्रोक्सी में हाइड्रोजन नहीं हो सकता? यहाँ पे एक एच पे लगा देता हूँ सी एच, तो हो नहीं सकता, लिखना जरूरी है। आराम से, आराम से, धन्यवाद आपका। कितने पुण्य का काम करते हैं ना ये लोग, किसी को चाय पिलाना कितने पुण्य का काम है। नेमिंग ऑफ साइनाइड, फॉर्मूला है आपका सी ट्रिपल बॉन्ड एन, इसका प्रीफिक्स क्या है बेटा? साइनो। सफिक्स क्या है? नाइट्राइल। तो अगर मैं सबसे सिंपलेस्ट ऐसे लिखने की कोशिश करूं CH3CH2 सी ट्रिपल बॉन्ड एन, तो नंबरिंग कहां से शुरू करोगे? 1 2 3 बताओ, प्रोपेन नाइट्राइल, यही ना। अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता, बताओ क्या बेटा? हाँ प्रोपेन लिख सकते हो, यहाँ पे नंबरिंग कहाँ शुरू करोगे? 1 2 3 4 5, तो एक मिथाइल और एक इथाइल, इथाइल का ई, मिथाइल का एम, कौन पर ले आएगा, कौन से नंबर पे? टू इथाइल, डराओ मत बेटा, टू इथाइल थ्री मिथाइल पेंट एन नाइट्राइल, क्या बेटा? पेंटेन आगे नाइट्राइल। तो
आगे सेम रूल है, कोई अंतर नहीं है, बस आपको सफिक्स यूज करना है या प्रीफिक्स यूज करना है, बस ये पता होना चाहिए। जितने भी अभी तक मैंने कंपाउंड आपको बताएं वो सारे कंपाउंड अब आप देख रहे हैं, सारी चीज़ें बहुत ही आसानी से वैसे ही हो रही है। कुछ अलग हो कर रहा है क्या? हर एक फंक्शन ग्रुप में एक ही काम हो रहा है। इपॉक्सी, इपॉक्सी का फॉर्मूला क्या है बेटा? ठीक है, तो जैसे सबसे पहले सी एच एच ओ सी एच एच, इसका मुझे नाम करना है। तो आप क्या लिखेंगे? 1 2। इपॉक्सी में तो ये भी बताना पड़ेगा ना ऑक्सीजन किन दो कार्बन से जुड़ा है, तो लिखना होगा 1 2 इपॉक्सी। ठीक है, क्या हो गया? 1 2 इपॉक्सी, दो कार्बन है तो इथेन। फिर से देख लेना, मैं इसे बताऊं बाकी सब आप बताओगे। 1 2 इपॉक्सी क्यों लिखा? मुझे बताना होगा कि इपॉक्सी कौन से नंबर पे है, तो पहले और दूसरे नंबर कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज 1 2 इपॉक्सी, और दो कार्बन है तो इथेन। इसका आंसर देना CH3CH2। बताओ बेटा, 1 2 3 क्या हो जाएगा? 1 2 इपॉक्सी प्रोपेन। बताओ बेटा, 1 2 3 4 बताओ, 2 3 इपॉक्सी ब्यूटेन। अमाइड फॉर्मूला होता है C double bond O NH2। पहला सवाल HC double bond O NH2, मैं पहला का आंसर दूंगा बाकी सब आप देंगे। एक ही कार्बन है तो इसका नाम हो गया मीथेन अमाइड। क्या हो गया? मीथेन अमाइड। चलो दूसरा सवाल, CH3 C double bond O NH2, बता बेटा, इथेन अमाइड। बताओ बेटा, 1 2 3 टू मिथाइल प्रोपेन प्रोपेन अमाइड। बताओ, 1 2 3 4 3 ब्रोमो 2 क्लोरो ब्यूटेन अमाइड। आसान था? ठीक है, क्या बेटा? हाँ, CO ग्रुप जहाँ है वहीं से नंबरिंग शुरू होगी। 2.3 डाइथाइल क्यों नहीं लिया? 1 2 3 4 लॉन्गेस्ट चेन होता है ना। ठीक है, इसे अपनी कॉपी में नोट करें। फिर हम मल्टीपल, अब मैं अभी हमने जितने भी फंक्शनल ग्रुप थे सबके नेमिंग कर लिए, अब मैं एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप यूज करूंगा। आपको डिसाइड करना होगा कि नंबरिंग किधर से करनी होगी, किसका प्रीफिक्स लगेगा और किसका सफिक्स लगेगा। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक है नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन। मैंने बोला ना हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले करना चाहिए था, लेकिन क्यों सबसे आखिर में कर रहा हूँ? क्योंकि उसकी कैटेगरी, हर एक कैटेगरी को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्टिंग में करता तो सारी कैटेगरी डिस्कस नहीं कर पाता। चार कैटेगरी है हाइड्रोकार्बन की। सबसे पहला तो एक तो नॉर्मल है जो हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी, इथेन मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ये सब नॉर्मल वाला कर लिया था ना। याद करो पहला लेक्चर जब मैं करा रहा था, आप कर रहे थे यार इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन क्यों करा रहे हो। मैंने बोला था जीरो से हीरो तक पहुंचाऊंगा, धीरे रखो, सब्र रखो।
स्टार्टिंग मैंने ना इथेन मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन पढ़ा रहा था, तो आप यही बोल रहे थे ना। अरे यार ये सब क्या ही करा रहे हो, कुछ लोगों का मन ऐसे हो गया था, ये सब तो हमें आता है। और आखिरी तक जाते जाते धीरे धीरे होश उड़ने लगे। हालांकि आप लोगों ने मेहनत से पूरे हर एक क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। आगे आने वाली ये चार कैटेगरी और बचा हुआ है इस पूरे पूरे IUPAC में। पहला है साइक्लिक, जिसका नाम आप ऑलरेडी करा चुका हूँ। दूसरा है मल्टी साइक्लिक, तीसरा बाईसाइक्लिक और चौथा है स्पाइरो। तो सबसे पहले हम साइक्लिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। हालांकि ये बात आप पहले से जानते हो और आप लोगों ने आंसर भी दिया था, साइक्लिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन है। तो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा तो होगा नहीं, होगा क्या? हाइड्रोकार्बन का सिंपल सा मतलब होता है एक ऐसा कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हो। और आप यकीन नहीं करेंगे, तो एक राज की बात बताऊं, आप पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट ऑफ हाइड्रोकार्बन पढ़ते हो, सिर्फ पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ हाइड्रोकार्बन ही पढ़ते हो आप, बस वो उसका सब्स्टिट्यूएंट होता है। एक कोई फंक्शनल ग्रुप आता है, किसी हाइड्रोजन को हटा करके उसकी जगह ले लेता है, एक नया पूरा का पूरा कंपाउंड तैयार हो जाता है, वो सब हाइड्रोजन के सब्स्टिट्यूएंट हैं, हाइड्रोकार्बन के सब्स्टिट्यूएंट। तो अभी आप जितना भी मैंने आपको पढ़ाया वो हाइड्रोकार्बन के सब्स्टिट्यूएंट थे, अब हाइड्रोकार्बन पढ़ाने वाला हूँ। तो उसमें सबसे पहले साइक्लिक कंपाउंड साइकिल बनाने के लिए मुझे मिनिमम कितने कार्बन की ज़रूरत पड़ेगी? तीन। क्या दो कार्बन से साइकिल बनेगी? क्या नहीं, तीन कार्बन की मिनिमम ज़रूरत पड़ेगी मुझे साइकिल बनाने के लिए। तो मैंने क्या किया, एक साइकिल बनाया और उस साइकिल को मैंने इस तरीके से लिख दिया, और मैं आपसे नाम पूछ रहा हूँ तो आप बड़े आराम से बता दो कि इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन। ऐसे साइकिल में मैंने एक डबल बॉन्ड लगा दिया तो क्या बन गया, साइक्लोप्रोपीन। फिर मैंने एक चार का साइकिल बनाया और उसमें कुछ नहीं लगाया तो क्या नाम है इसका, साइक्लो ब्यूटेन। ब्यूट का मतलब चार, साइकिल लगाया तो साइक्लो। अब इसी में मैंने क्या किया, एक डबल बॉन्ड लगा दिया तो क्या नाम हो जाएगा, साइक्लो ब्यूटीन। अगर मैं इसी में दो डबल बॉन्ड लगा दूं तो अब इसका नाम बताओ, साइक्लो ब्यूटा। वेरी गुड, ब्यूटा 1,3-diene। अब बताओ बेटा इसको, साइक्लोपेंटीन। साइक्लोहेक्जेन, साइक्लोहेक्जीन, नंबरिंग बताओ कहाँ से करूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही करेक्ट है? तो साइक्लो हेक्जा 1,4-diene। बताओ बेटा, साइक्लो हेक्जा 1, 2, 3, 4, 5, 6 1,3,5-triene। अगर बेंजीन का IUPAC नेम पूछ ले तो क्या बताओगे, बेंजीन साइक्लोहेक्जा 1,3,5-triene। हाँ, माना किसे बेंजीन बोलते हैं। तो ये हो गया साइक्लिक कंपाउंड। चलो बेटा बताओ, नंबरिंग कहाँ शुरू करूँ, 1 से आगे 2 किधर रहूँ, किधर भी बताओ, 1 क्लोरो 1 हाइड्रोक्सी 1 क्लोरो
पेंटा 2-4 डाई इन आगे वन और पेंटा वन क्लोरो साइक्लो पेंटा नंबरिंग ही है मेन कला वही है आपको 1-1 डाइब्रोम वेरी गुड 4-4 डाइक्लोरो 1-1 डाइब्रोमो 4-4 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सा 2-5 डाई ठीक है बस सीख गए तुम लोग अब हम बाई साइक्लिक की बात करेंगे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जरा देखना ध्यान से ये थोड़ा टफ भी होता है समझना बहुत मुश्किल होता है इसको ये एक 3-डाइमेंशनल स्ट्रक्चर है जिसको मन की आंखों से देखना पड़ेगा तभी वो 3D समझ में आएगा मेरे पास कोई जादू नहीं है ना ही कोई डॉक्टर स्ट्रेंज की ताकत है कि मैं यहाँ पे ऐसे 3-डाइमेंशनली आपको एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिखा दूँगा 2-डाइमेंशनल बोर्ड पे 3-डाइमेंशनल स्ट्रक्चर बनाना अपने आप में एक कला होती है जो कि मुझे नहीं आता इतना लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग इसको समझें मन की आंखों से देखना होगा घुस करके उसे जो भी कंपाउंड है उस कंपाउंड के अंदर जा करके आपको देखना पड़ेगा कि 3D वो कैसा दिखता है तो समझ में आएगा नहीं समझ आएगा तो रट लेना ठीक है बाईसाइक्लो कंपाउंड इस टाइप के कंपाउंड में आपको दो कार्बन ऐसे दिखेंगे कुछ इस तरीके से इस कार्बन को ब्रिज कार्बन बोलते हैं क्या बोलेंगे ये दो कार्बन है ब्रिज कार्बन और इस ब्रिज कार्बन से 3 ब्रिज बना हुआ है देखो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये दो पिलर है ये दो कार्बन जो आपको ये दो पिलर दिख रहे हैं इस दो पिलर से एक ब्रिज इस तरीके से बना हुआ है जिसमें दो कार्बन है ये वाला एक ब्रिज इधर भी दो कार्बन वाला बना हुआ है ये वाला और एक ब्रिज ऊपर से जा करके बना हुआ है जिसमें कितने कार्बन है एक कार्बन तो ये दो ब्रिज कार्बन है इस ब्रिज कार्बन से एक ब्रिज इधर बना हुआ है दो कार्बन वाला एक ब्रिज इधर बना हुआ है दो कार्बन वाला और एक ब्रिज ऊपर से जा करके बना हुआ एक कार्बन क्या ये इमेजिन हो गया बस ऐसे 3 ब्रिज आपको दिख रहे हैं एक ब्रिज ये है एक ब्रिज ये है और एक ब्रिज ये है और इसके पिलर कौन है ये दो कार्बन और इसीलिए हम इसे ब्रिज कार्बन बोल रहे हैं अब सवाल ये है कि इसका नाम क्या लिखा जाए इस टाइप के क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले आँख मूंद के लिख देना बाईसाइक्लो बाईस साइकिलों का मतलब आप इसमें 2 साइकिल दिख रही है एक ये वाला और एक पीछे वाला 2 साइकिल आपको दिख रही है इसलिए इसका नाम हो गया बाईस साइकिलों लिखने के बाद एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा देना इस बड़े ब्रैकेट में आप डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर ऑफ कार्बन लिखेंगे तो सबसे ज़्यादा इधर दो कार्बन इधर एक कार्बन तो मैंने क्या लिखा 2, 2 और 1 ठीक है तो क्या लिख दिया बाईसाइक्लो 2, 2 और 1 अब टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लो तो 2+2+1 कितने हो गए 5 और बाईसाइक्लो है तो 2 ब्रिज कार्बन होंगे कितने होंगे 7 तो आप काउंट कर लोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिख रहा है 7 है तो क्या हो जाएगा हेप्टेन क्या ये क्लियर हो गया आसान है ना मैंने बस क्या बताया आपको क्या करना है इस टाइप का कंपाउंड देखते सबसे पहले क्या लिख दोगे बाईसाइक्लो और उसके बाद क्या करोगे ब्रैकेट के अंदर डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखोगे नंबर ऑफ कार्बन हर एक ब्रिज में जितने हैं और फिर आखिरी में लिखोगे टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लोगे उसी का एल्केन लिख दोगे आओ दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं
कोई मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, बताओ इसमें ब्रिज कार्बन कौन सा होगा? एक ये रहा और एक ये रहा, ये दो ब्रिज कार्बन होगा। तो आपने लिखा बाई साइक्लो 110। आगे चार कार्बन है ना, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। बहुत ही अच्छी, शाबाश। अब जरा देखना, अब बताओ इसमें ब्रिज कार्बन यही रहेगा? हाँ, बाई साइक्लो 2.1.0 पेंटेन। ब्रिज कार्बन आपको दिख गया? हर बार मैं नहीं बताऊंगा, आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है? अभी तो मैं बता दे रहा हूँ, बाई साइक्लो हेक्स टेन। टू इधर से, ये एक ब्रिज है, उसमें एक कार्बन ये है और एक कार्बन ये, दो लिख दिया। ये दूसरा वाला ब्रिज है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये, दो लिख दिया। फिर इस वाले ब्रिज में एक भी कार्बन नहीं है, इसलिए जीरो लिख दिया। देखो सेम क्वेश्चन है, बस लिखने का तरीका बदल गया। क्वेश्चन इसी तरीके से, सेम क्वेश्चन आपको कई तरीके से लिखा हुआ नजर आएगा, बस आपको ढूंढना क्या है? ब्रिज कार्बन। तो बस ब्रिज कार्बन बताओ कौन सा है, मैं पॉइंट करूंगा, आप कहोगे हाँ या ना। नहीं, ये ब्रिज कार्बन नहीं है, ठीक है। ये वाला और ये वाला, गलत जवाब। ब्रिज कार्बन एक ये है और एक ये है, इसको ऐसे समझो, ये दो कार्बन है, ये दोनों ब्रिज कार्बन है, एक ऊपर से है ना, एक इधर से रिबन देखा है ना कभी, और एक इधर से रिबन है। तो ये दो कार्बन है, इसको पकड़ के ऐसे खींच लूं, देखो, तो एक ऊपर से दिख रहा है और एक इधर से आ रहा है और एक इधर से आ रहा है ना। तो आपने क्या लिखा? ब्रिज कार्बन, ये दोनों मिल गया, तो आपने तीन इधर कर दिया, तीन इधर कर दिया और तीन इधर कर दिया, तो ब्रिज कार्बन 333 टोटल कितने हो गए? अनडेकेन। क्लियर है ना बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? गुड। अब इसी क्वेश्चन को देखो मैं कैसे मॉडिफाई कर रहा हूँ, देखना नहीं, बिल्कुल भी मैं देखना, देख लिए तो फिर आप बता दोगे। बाई साइक्लो 2.1 हेप्ट, क्या ये पहले वाला ही है? बस थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया। अगर मैं पकड़ के इसको, ये वाला क्वेश्चन है ना, इसी को पकड़ के ऊपर की तरफ खींच दिया उन्होंने, बाकी सारी चीज़ सेम है। नहीं, आप जैसे बनाओगे वो अलग अलग तरीके से देखने का नज़रिया है। आपने इसको थोड़ा सा इस तरफ से देखा तो आपको ये अंदर दिख रहा है, थोड़ा इधर से देखोगे तो आप ये ऊपर दिखेगा। वो तो जैसे कि आप, मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो आप इस पोडियम के, इस ट्राईपोड के जस्ट पीछे दिख रहे हो, यहाँ से देखूँगा तो आप इधर देखोगे, यहाँ से दिखूँगा तो आप इधर देखोगे, बस है पोजिशन तो आपकी वही है, बस मैं अलग अलग जगह से देख रहा हूँ, ऑब्जर्वर अलग अलग जगह से देख रहा है।
बाईसाइक्लो कौन सा ब्रिज कार्बन कौन सा हाँ तो एक दो तीन चार फोर एक दो तीन चार फोर आगे इसमें जीरो डेकेन तो क्या ब्रिज का ये बाईसाइक्लो वाला कंपाउंड आ गया ठीक है नोट करें इसको जिन लोगों को ये वाला क्वेश्चन नहीं समझा वो देखें मैं इसी को पकड़ करके ये इस तरफ खींच दूं तो क्या ये ऐसे दिखेगा ये इसी को पकड़ कर मैं कहाँ खींच रहा हूँ इस तरफ आगे की तरफ खींच रहा हूँ ना यही हुआ यही तो दिखा अच्छा अभी भी कुछ लोगों को नहीं दिख रहा होगा अब दिख गया तो बस इसी को थोड़ा सा देखना इसको थोड़ा सा पुश किया अंदर की तरफ और इसको थोड़ा इधर खींच लिया सेम है कोई अंतर नहीं बस देखने का तरीका अलग अलग अगर आप सही तरीके से देख ले गए तो आप बाईसाइक्लो कंपाउंड बहुत आराम से बना पाओगे फिर नलंगी स्पाइरो इंटरसेक्ट कर रहा है ये इंटरसेक्ट कर रहा है इसको ध्यान देना यही समझना है अगर मैं ये करूं और इसको ट्विस्ट कर दूं तो भी ये ऐसे ही दिखेगा ट्विस्ट कर दिया तो भी ये ऐसे दिखेगा और अगर ट्विस्ट नहीं किया तो भी ऐसे ही दिखेगा अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका नाम स्पाइरो होगा और अगर बाइसेक्ट नहीं कर रहा है तो ये साइक्लो होगा यही समझना है इसमें हाँ वो अलग बात है कि वो इस हिसाब से देंगे 3D फिगर जब भी कभी वो 3D दे रहे होंगे ना तो बुक में 3D बनाते हुए दिखेगा क्लियर उसका शेडो दिखेगा जो ट्विस्ट हो रहा होगा ना तो उसका शेडो दिखेगा कहाँ ये ट्विस्ट हो रहा है तो आप क्लियर कर लेंगे अगर शेडो दिखे समझ लेना वो साइक्लिक है और अगर शेडो नहीं दिख रहा है तो समझ लो इंटरसेक्ट कर रहा है स्पाइरो स्पाइरो में सबसे पहला स्पाइरो मैंने ये बनाया ये देखो तो आपने कहा कि ये अब इसका नाम चुपचाप क्या लिखोगे स्पाइरो ब्रैकेट के अंदर 2, 2 आपने लिखा स्पाइरो फिर लिखा 2, 2 बस ख़त्म टोटल कितने कार्बन है 5 तो 5 के लिए क्या हो जाएगा पेंटेन इसका आंसर देना बेटा क्या हो गया स्पाइरो 4, 4 नोनेन आसान है ना स्पाइरो 4, 4 नोनेन चलिए चल के जीवन उसको नाम बताओ बेटा नंबरिंग है इसमें मिथाइल ग्रुप भी है अब इसमें नंबरिंग करना होगा इसमें मिथाइल है ना तो नंबरिंग करना होगा अब नंबरिंग किधर से करोगे 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन वाले है 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन ये वाला है अब या तो इधर से नंबरिंग करें या तो इस तरफ वाले लेकिन इस तरफ वाले में क्या दिख रहा है
दो मिथाइल ग्रुप, तो जहां आपके पॉइंट दिख रहा है ना उसी के बगल से या तो इस तरह या इस पॉइंट से या तो इस पॉइंट से या तो इस पॉइंट से इस पॉइंट से नंबरिंग स्टार्ट होगी। जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट दिख रहा है उसके अगल बगल वाले ही कार्बन से नंबरिंग होगी। तो अब चार कार्बन आपके पास है, कहीं एक से कहीं से नंबरिंग करना है, आप डिसाइड करो कहाँ से करूँ। ऊपर से करूँगा तो 1 2 3 4 5, अब ये 6 आ गया। अब 6 के बाद आप चाहे ऊपर से जा सकते हो चाहे नीचे से, तभी कहीं से भी जा जाओ चले जाओ कोई दिक्कत नहीं। 6 7 8 9 10 11, आप बताओ आपके मिथाइल ग्रुप कहाँ कहाँ पे। 1.5 डाई मिथाइल, अब आप क्या लिखोगे स्पाइरो 5.5 आगे 11 है ना तो अनडेकेन। चलो नोट करो इसे, मल्टी साइक्लिक किसमें बेटा, ये जो पॉइंट है अगर यहाँ से आप नंबरिंग करोगे तो यहीं आके रुक जाएगा ना, फिर आगे बढ़ कैसे पाएगा, तो इसीलिए हमने बगल से नंबरिंग किया ताकि वो आगे बढ़ सके, आगे बढ़ जाएगा ऐसे। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिखता है बेटा, देखो अभी स्पाइरो है ना, ध्यान से सुनना, इसी को मैं पकड़ के खींच देता है ऐसे, ऐसे बन जाता, इसका नाम अलग है, इसका नाम अलग है। अब आपको क्या करना है, नंबरिंग करना होगा 1 2 3, तो जैसे ये नंबरिंग कर रहे हो ना वैसे ही दूसरा वाला नंबरिंग होगा एज इट इज। तो ये 1-2-3-, अब आप कनेक्शन देखो किसके बीच में है, 1-1 के बीच में, तो आप लिखेंगे 1-1, ठीक है डाई, ये साइक्लोप्रोपेन। चलो फिर से देखना, नाम बताओ बेटा, नंबरिंग आपने क्या 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 1-, अब इधर से आप आए हो ना इस लाइन के साथ, इसी लाइन के साथ जाओगे तो 2-3-4-, बताओ 1-1 डाई साइक्लो ब्यूटेन। बताओ समझ, अब बाकी नंबरिंग की जरूरत नहीं, आप समझ गए होगे, 1-1 डाई साइक्लो पेंटेन। इस क्वेश्चन करना, बस नंबरिंग कहां से शुरू करोगे पता होना चाहिए, कहां से करोगे बगल से, यहां से करूं 1 2, क्योंकि सबसे बड़ा ग्रुप OH है तो 1 2 3 4 5 6 7, आप बताओ इधर से नीचे से या ऊपर से, नीचे से 8 9 10 11 12, क्या बेटा चलो फिर से लिख देता हूँ, अब डैश वाला सिस्टम है तो डैश बनाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा था Br, ये 2CH3 है, ये OH है और यहाँ पे Cl था, यही था ना बेटा, ठीक है। अब आप किसी एक साइकिल को नंबरिंग देंगे, मैंने कहा इसको 1 दिया तो आप इसको क्या दिखोगे 2, अब नीचे से भी जा सकते हो ऊपर से भी, लेकिन OH ग्रुप आपका नहीं, अब जब आप डैश वाला सिस्टम लगा रहे हैं ना तो आप हमेशा यहीं से शुरुआत करोगे, ये पक्का है यहीं से, अब उसके बाद या तो ऊपर से जा सकते हैं या तो नीचे से आ सकते हैं। तो 1 है तो ये क्या हो गया 2, तो ये क्या होगा 3, ये क्या हो गया 4, ये 5 और ये 6, अब इसी का जस्ट कॉपी करते हुए 1-, ये क्या होगा 2-3-4-5-6-, अब जो जो ग्रुप लगा है जहाँ जहाँ पर बता दो, तो यहाँ पे भी ऊपर से ही स्टार्ट करना, हाँ तो अगर आप ये ग्रुप यहाँ नीचे होगा त,
तब भी आप अगर तो या तो इसको इस तरीके से स्टार्ट करना होगा तो इसको भी इस तरीके से स्टार्ट करोगे, ग्रुपिंग वही हो जाएगी। हाँ यहाँ पे तब भी वो ऐसे ही रहेगा, कोई चेंज में नहीं होगा। ठीक है चलो फिर से देखना बेटा, नाम बताओ फटाफट क्या लिखूँगा। 3-4 ब्रोमो और 4 नंबर पे क्लोरो, आगे बताओ। 3-5-6 ट्राई मिथाइल, आगे 5-, अब आगे ऐसे लिख दो। टोटल कितना होगा, ये क्या है साइक्लो और ये भी क्या है साइक्लो, दोनों है ना साइक्लो, क्या साइक्लोहेक्जेन या साइक्लोहेक्जीन, साइक्लोहेक्ज लिखने पड़ेगा साइक्लोहेक्ज। अब इन कहाँ पे लिखोगे, 5-in और आगे 2-all। फिर से एक बार बता दो, नीट में या नहीं ये सिर्फ जेई के लिए। क्या बेटा डाई नहीं लिखा, अच्छा साइक्लो लिख दिया ना, डाई साइक्लो। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है और इसी के साथ नीट में ये इस टाइप का आ सकते हैं, इसके साथ जो फंक्शनल ग्रुप जोड़ेंगे वो सिर्फ जेई वाले जोड़ते हैं, नीट वाले नहीं जोड़ते। जेई में टाइम लगता है ना, एक मिनट का टाइम है आप जोड़ दोगे, लेकिन नीट वाले कहेंगे यार लेख सिंपल। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आपके पास कोई बुक होगी या फिर नहीं भी होगी तो आप जो भी आपके पास बुक है उसमें IUPAC के 2-4-10 क्वेश्चन जो भी दिए होंगे आप उसे ट्राई करना, या PYQ जितने भी हैं IUPAC के वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। वैसे अब IUPAC के क्वेश्चन आते नहीं है, 1-2 क्वेश्चन आते हैं वो भी सिंपल आते हैं। तो वो जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th वाला स्टार्ट होगा तो उसमें चैप्टर वाइज जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगा तो फिर से एक बार IUPAC पूरा कराया जाएगा। ये IUPAC आपको इसलिए कराया गया ताकि आपको पता चले कि जो भी कंपाउंड आप पढ़ने वाले हो उस कंपाउंड का नाम क्या है। एक बार वापस से जब चैप्टर वाइज चलेगा, जैसे हाइड्रोकार्बन, हेलोएल्केन, हेलोरीन, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, उन सब का नेमिंग में वापस से फिर से हम पढ़ेंगे। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि अभी हम कोई प्रैक्टिस ना करें। आप जाएंगे IUPAC के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उन सारे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। किसी को कोई दिक्कत होगी तो वो मुझसे पूछ लेगा। और नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे आइसोमेरिज्म। ओके थैंक यू। जिन आप में से जिन बच्चों ने पहले क्लास से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू नहीं की है तो आपको पता है कि ये इसीलिए रिकॉर्ड हो रहा है ताकि आप YouTube पे जाएं और आपको पहले दूसरे और तीसरे क्लास का जो लेक्चर है वो मिल जाएगा। 1.25 पे फास्ट फॉरवर्ड कर देना और आराम से पढ़ लेना, ठीक है।